मैं मेरे पापा मम्मी कुछ नहीं देख सके। वो चाहते थे कि तुहानू पटवारी बनते हुए देख। हाँ जी मैम, उन्होंने सपना से कि मैं सरकारी नौकरी लगा। लगता कि हूँ वो सपना फादर साहब का आकाशदीप पूरा करेगा और बिना किसी करप्शन तो और बिना किसी होर चीज़ के ये पूरा होएगा सपना। हाँ जी मैम। सरकार को धन्यवाद देना चाहनी है कि उन्होंने इन्नी छेती भर्ती करती, तो हूँ जो सबनों असी दस सकते कि हाँ भी असी फाइनली असी ले लीती है नौकरी। इन्होंने भी मैंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरी स्टडी लैके हर चीज़ में लैके, मतलब कितने भी जाना कोई पेपर देना हर पेपर से पापा का काम होंगे सगा जो भी है कुछ कई बार नहीं जा पाते दल हमेशा तैयार रहते कि हाँ चलो चलते हैं चलो चलते हैं। इतने पेपर आ गया फिर की हो गया, दूर आ गया फिर की हो गया, रात मतलब रात जाना पेगा जो भी, मतलब काफ़ी डिफिकल्टीज़ आदि तो सब कह ही रहे कहते भी एक जन तो चले ही है जब थोड़े पापा चले ही है तो दादा जी ने की करना है ला जाके, तो मैं कहती अभी पेपर कट्ठे नहीं दिते है तो अपॉइंटमेंट लैटर भी अट्ठे ही लैन जावे। डाउनफॉल मैं जिंदगी बहुत बारी आया, बहुत बारी सोचा भी कि यार हूँ तो मतलब हद होगी छड़ना ही पेगा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये होंगे कि पापा के लास्ट वर्ड होंगे कहते लगे रहो छड़ना नहीं है करते रहो। मैं आप एग्रीकल्चर रिलेटेड हाँ जी, खेती करता जी, मैं खेती करने के नाल नाल मैं बस दोपहर का टाइम जो शाम या रात में वो अकॉर्डिंग कट के आज मेहनत नाल होता जी। एक ना किसान रिलेटेड एक जमीन ना जुड़िया किसान है जी, उस तरह एक पटवारी है, एक जमीन नाल है, एक जिवें हुण अजकल खराबा आया जी मौसम की मार पई है वो रिलेटेड है जी, एक ग्राउंड लैवल पर गल है जी, असी ग्राउंड लैवल पर कुछ बरीकियाँ किसान होने के नाते जानते हैं जी, कुछ अभी ट्रेनिंग दौरान होर सीखांगे तो एक बेहतर बनावांगे। करनी भी चाहिए है बाहर जाने नालों तो चंगा, इतने ही कुछ करो इतने भी वाधू मौके ने रोजगार के। देखो जी साडा परिवार इन्ना पैसे वाला तो नहीं रहा, तो सानू ऑफकोर्स ग्रैजुएशन के नाल नाल मैं आपका प्राइवेट काम स्टार्ट किया, तो प्राइवेट काम खत्म होने तो बाद भी काम नू जारी रखा, तो डेली कंसिस्टेंसी नाल आपदे जो तीन चार घंटे ने वो स्टडी नू दिंदा रहा। साडे लंबे समय तो यही मंग रही थी कि जो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तो चल के आते हैं ठीक है, उन्होंने सफ़र का किराया रहन खाण पीन का किराया मतलब कि बहुत पैसे लग जाते थे जो कि 5000 नाल एक तरह का शोषण जिहा महसूस होंदा सी। खुशी बहुत हो रही है, उम्मीद हो गई है भी वाकई मेहनत नू रंग लगता है, इदां ही मेहनत करते रहेंगे अगे तो अगे वधण की कोशिश करते रहेंगे। फर्क तो पे ना जी, पहला 5000 सी जी सानू घरों पैसे लेने पैंदे सी जी, जिहड़े पहला देखो 1090 पटवारी होए सी भर्ती उदों जी, हैं उन्हें भी 350-400 पटवारी छड्ड गए जी नौकरी, वो क्यों छड्ड के गया, तनखाह घट सी बिल्कुल जी, 5000 नाल की होंदा देखो कुछ नहीं होंदा जी, नहीं इन्ने नाल कुछ नहीं होंदा जी, तां करके छड्ड गए सी नौकरी जी। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ अनुजा शर्मा। अज 710 पटवारियों नू नियुक्ति पत्र दिते गए ने पंजाब सरकार दे वल्लों, उपराला कीता गया और अज दे दिन उन्हां दा स्टाइपन वधाउण दी वी गल कीती गई है, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहला स्टाइपन ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 5000 हुंदा सी, हुण उहनू वधा के 18000 रुपये कर दिता है, ताकि जिहड़े नौजवान ने उहनां नू एक दिलासा रहे, उहनां नू मोटीवेट किया जा सके कि तुसी अपना जिहड़ा काम कर रहे हो उहदा तुहानू मेहनत पत्ता जरूर मिल रहा है। और नाल दे नाल जिहड़ियां होर चीज़ां ने, क्योंकि 586 होर जिहड़ियां नियुक्तियां करनियां ने उहनां दे लई अज इश्तहार भी दे दित्ते जाणगे, ये भी मुख्यमंत्री दे वल्लों संतुष्टि दित्ती गई है कि अज तो ही ये काम हो जाएगा। इस सारी चीज़ां दे उत्ते मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा का की कहना है, पहला आओ वो सुनते हैं कि कहंदे ने ब्रह्म शंकर जिंपा। मंत्री दे नाल तां गल कीती, लेकिन जिहड़े 710 नौजवानों नूं पटवारी दे नियुक्ति पत्र दिते गए ने उहनां दे विचों साडे नाल एक नौजवान कुड़ी मौजूद है, उहनां दे नाल गल करदे हां। की नाम है तुहाडा और कित्थों दी हो तुसीं? मेरा नाम सोनिया है, मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट तों हाँ। क्या बात है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री साहब की अपनी डिस्ट्रिक्ट है, किहो जिहा लग रहा है सोनिया कि जिहड़े एक इन्नी वड्डी मेहनत सी अज सफल हुंदी होई दिखाई दे रही है? बहुत वधिया लग रहा मैम। की चीज़ा हूँ लैके चल रहे हो, अपनी मोटीवेशन की और काम करन दा तुहाडा दिमाग दे विच इस वक्त की चीज़ा चल रही है? बस ईमानदारी नाल ही काम करना है।
जिस तरीके दे नाल हमेशा एक 5000 रुपए का स्टाइपन से अज मुख्यमंत्री ने उस स्टाइपन वधा के 18000 रुपए कर दिता। यह हमेशा तो मंग रही है, हुण लगता कि जिहड़ी करप्शन चल रही सी ये चीज़ा रुकन गियां? हाँ, थोड़ा बहुत लगता ही है चीज़ा ओबियसली रुकन गियां, क्योंकि जो 5000 नाल तो मतलब बाहर रहिंदा तां बंदा तो उत्थे रेंट भी नहीं कवर हो पाता 5000 नाल, तो 18000 नाल आपका खर्चा तो कवर हो। तुहानू सर्कल कित्थे दा नियुक्त कीता? मैनू मलेरकोटला लोट होया। मलेरकोटला मतलब तुसी इन्नी दूर जाना है अपने घर तो कि तुहानू उत्थे दा जाण दा स्टाइपन भी चाहिए, रहन दा भी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 18 महीने तो 15 दा कीता गया, लगता कि ये भी फायदा होएगा, हुण अगली पीढ़ी होर इस विच आने की कोशिश करेगी? हाँ, करूगी, कोशिश करनी भी चाहिए है, बाहर जाण नालों तो चंगा इत्थे ही कुछ करो, इत्थे भी वाधू मौके ने रोजगार दे। बिल्कुल, फादर साहब सोनिया दे साडे नाल मौजूद ने। सर, कहो जिहा लग रहा है कि कुड़ी दे पिछे जिन्नी मेहनत कीती सी अज पटवारन बन के खड़ी? बहुत खुशी है जी, इस गल की बहुत खुशी है, कुड़ी बेटी ने जो पेपर पढ़िया जी बहुत खुशी है। जिस वक्त नौकरियां नहीं निकल रही सीगियां, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पैंदी सी, तद कि चिंता भी हुई बई इन्ना पैसा लाया इन्ना कुछ किया पर कुछ नहीं होया? नहीं, चिंता तो थी जी, पर लेकिन सरकार ने नौकरी कटी जी, इस करके ज्वाइनिंग हो गई जल्दी। पहला सोचा कि 5000 तो 18000 कुड़ी नूं मिलूगा? नहीं सोचा जी, नहीं सोचा जी, बई 5000 तो 18000 हो जाएगी, पहला नहीं सोचा। हूँ लगता कि इस तरीके दे नाल होर जिहड़े बच्चे ने तुहाडे आले दुआले उन्होंने भी मोटीवेट करूंगे? हाँ जी, मोटीवेट करूंगे जी, और बच्चे भी तैयारी करेंगे जी, इसी साइड जाएंगे। बिल्कुल, देखो यह वो फादर साहब ने जिन्हों के बेटे ने इस वक्त बेटी ने जिहड़ा है वह अपना नियुक्ति पत्र उन्होंने मिले, और मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े ने भगवंत मान साहब उन्होंने वालों ये नियुक्ति पत्र दिता गया। होर भी स्टूडेंट्स अजे इतने जिहड़े होर भी जिहड़े नौजवानों पेपर दिते गए हैं और नियुक्ति पत्र दिते गए हैं वो इतने मौजूद ने, उन्होंने नाल भी गल करांगे, उन्हों का की कहना, क्योंकि एक एक जिहड़े यह बने ने नवे नव नियुक्त जिहड़े पटवारी ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 586 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ 586 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮੈਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਇਆ ਅਲੋਟਮੈਂਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ 710 ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾਂ। ਚਲੋ, ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਆਕਾਸ਼? ਮੈਮ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੈਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ, ਕੀ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ 5000 ਤੋਂ ਸਟਾਈਪਨ ਵੀ 18000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ
मुख्यमंत्री साहब खुद कह के गए कि मेहनत करो, पेपर होर पास करो, अगलियाँ तुम ये तो भी प्रमोशन भी लै पाओगे, वो वास्ते भी तैयारियां करोगे अजय? हाँ जी मैम बिल्कुल। देखो ये लगातार जिहड़ियां भावुकता जिहड़ी है वो वड्डी है, और ये भावुक लोग जिहड़े ने यह अपने आप अपने जिंदगी का जो फलसफा है वह बयान कर रहे हैं। होर भी इतने जोड़े पटवारी मौजूद ने उन्होंने नाल गल करते हैं। इतने जिस वक्त इस वक्त की नाम है थोड़ा कितों जसप्रीत सिंह मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट तो मुख्यमंत्री साहब के डिस्ट्रिक्ट तो ते तुहानू हुण किहड़ा सर्कल किहड़ा मिलिया? सानू मैनू संगरूर सर्कल मिलिया मैम, अपना ही सर्कल मिलिया है। हुण किदां दा लग रहा है कि जिन्नी तुसीं मेहनत पढ़ाई कीती सी सब कुछ कीता उस तो बाद अज रिजल्ट मिलदा होया दिखाई दे रहा और तुस तुहाडी आ तो जॉइनिंग भी हो? हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। सानू सीएम साहब ने अपने हत्थों नाल जॉइनिंग लैटर दित्ते आ ते बहुत ज़्यादा खुशी साडे घरदे नूं, बहुत ज़्यादा मेरे तो ज़्यादा खुशी घरदे नूं होई आ अते असीं वधिया इमानदारी नाल जॉब करांगे जी। जिस स्टेज पर सके मुख्यमंत्री साहब तो अनुए दे रहे थे तद भी कोई गलबात चल रही थी दोवां दे विच, की पूछ रहे थे मुख्यमंत्री साहब? ओहो इदां सीगे ओ जदों उन्हां नूं करंटली ओदी पता लग्या भी मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट तो हाँ, ते उन्हां ने मैनू पुछया भी तुहाडा किहड़ा पिंड है, ते मैं अपना पिंड दस्या भी कि मेरा पिंड धूरी हल्के चों पेदनी कलां मेरा पिंड हैगा, ते इन्नी गल होई है। ते उन्हां ने मैनू आशीर्वाद दित्ता ते शुभकामनाएं दी। देखो एक चीज़ आती है जिस वक्त असी गल करांगे कि मुख्यमंत्री दे तुसी डिस्ट्रिक्ट तो आंदे हो, तो एक चीज़ बार बार हुंदी है कि कहा जाता है कि रिश्वत चलती है, बहुत सारिया चीज़ा हुंदिया ने, तुहाडा प्रोसैस किहो जिहा रहा, तुहानू किस तरीके दे नाल नियुक्ति पत्र अज मिले ने? मैम यह साडा एडवरटाइजमेंट आई सी मार्च अप्रैल च, तो उस तो बाद एग्जाम होया मई च, तो उस तो बाद रिजल्ट आया अपना जुलाई अगस्त च, तो उस तो बाद हुण नियुक्ति पत्र मिलिया। ये सारा काम साफ सुथरा होया, कोई इदां दा है नहीं गा भी कोई पैसा दे के जां किसी भी सिफारिश ते जां किसी भी पहुँच दे नाल असीं लगे हाँ। असीं अपनी मेहनत दे नाल, अपनी पढ़ाई दे नाल, अपनी एजुकेशन दे नाल ते मेहनत करके लगे हाँ जी। ठीक, मुख्यमंत्री साहब ने भी कह के हुण 586 होर पोस्टां दे लई इश्तिहार कढे जाणगे, तुहाडे इर्द गिर्द भी वो नौजवान होणगे जिहड़े चाहुंदे होणगे कि असीं करिए, आपां भी जाइए, आपां भी पटवारी बणीए, उहनां नूं मोटीवेट करूंगे? हाँ जी जरूर, मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड ला लो, मेरे कजन ला लो, उहनां नूं मैं जरूर मोटीवेट करूँगा। उहनां नूं अपना सारा जो मैं तजर्बे नाल अपना पेपर क्लीयर किया मैं उहनां नूं जरूर दस्सूँगा भी इदां इदां करके तुसीं आह इदां आह एजुकेशन करनी आ, इदां इत्थों पढ़ना आ, ते आह बुक्स लैणियां ने, सब कुछ दस्सूँगा मैं जरूर, उहनां नूं गाइड करूँगा मैं उठे हुए हैं। तो सानू इन्नी ज़्यादा भी कली मेहनत के नाल ही सानू जॉब मिल रही है, किसी कोई पैसे की लोड़ सिर तो नहीं मिली, किसी सिफारिश के सिर तो नहीं मिली। बिल्कुल, होर भी इतने मौजूद ने, तुहाडा की नाम है कितों दी? जसपाल सिंह जी, मैं बरनाला तो आया, इत नियुक्ति पत्र लैन पटवारी 710 भर्ती का। तुहानू किहड़ी जिहड़ी है थां एलोकेट किहड़ा होया? मैनू लोकली बरनाला ही एलोकेट किया गया जी। अच्छा, कहो जे मतलब जेकर जिमें ना आप पहले गल कर रहे थे सारिया के वालों ये किया गया कहें कि जिस वक्त असी मेहनत कर रहे हों ज पढ़ाई कर रहे हों उस वे फाइनैशियल प्रॉब्लम्स बहुत देखनिया पैदियां ने, तुहाडा पिछोकड़ कहो जिहा आ जिस वक्त तुसी मेहनत कर रहे थे की औखिया चीज़ा तुसी देखिया उस वेले? शुरू तो देखो जी साडा परिवार इन्ना पैसे वाला तो नहीं रहा, तो सानू ऑफकोर्स ग्रैजुएशन के नाल नाल मैं आपका प्राइवेट काम स्टार्ट किया, तो प्राइवेट काम खत्म होने तो बाद भी काम नू जारी रखिया, तो डेली कंसिस्टेंसी नाल आपदे जो 3-4 घंटे ने उस स्टडी नू दिंदा रहा, तो ज प्राइवेट जॉब है फाइनैंशियल प्रॉब्लम दूर करती रही, तो नाल ही मैं स्टडी नू कंटिन्यू रख के जॉब लिती। प्राइवेट जॉब दे विच की कर रहे थे? प्राइवेट जॉब दे विच मैं खुद कंटेंट राइटर की जॉब कर रहा सी। अच्छा, हाँ जी। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਟਾਈਪਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, 5,000 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 5,000 ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ 5,000 ਤੋਂ 18,000 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,
बिल्कुल जी, ये शुरू तो ही मतलब कि तैयारी इस मकसद नाल कीती सी कि असी लोगों के वैलफेयर लिए काम करिए हमेशा, तो लोगों के हमेशा हक च फैसले लिए। लोग अक्सर जिहड़े ने पटवारियों तो कदी कदी परेशान भी हो जाते हैं कि भाई साडा काम नहीं हुंदा पिया, ये पटवारी कहिंदे माड़ा आ, यह पटवारी काम नहीं करता पिया। हुण लगता कि जिस वक्त तुसी उतरूंगे नौजवान पीढ़ी जाके उस थावां ते बैठेगी, कुर्सियां ते बैठेगी, वो फील्ड ते उतरेगी, की मोटिव की दिमाग दे विच अपनी सोच लैके चलूंगे कि भाई किवें काम करना है लोगों का। सीएम भगवंत मान जी ने साडे ते भरोसा दिखा के जे सानू कलम पढ़ाई है, जे सानू नौकरी दी है, असीं इन्नियां पढ़ाइयां पढ़ियां, मैं खुद MBA कीती हुई है। अच्छा। हाँ जी, तो मैं आपदे जो भी बैकग्राउंड रहा पढ़ाई का वो मैं पूरा इस्तेमाल करूँगा अपनी जॉब दे विच, ते पूरा इंश्योर करूँगा कि लोगों तक सर्विस नू पहुँचाया जाए ते लोगों दी गल्लां सुनिया जाए। बिल्कुल, देखो जिस असं हरेक नाल गल कर रहे हैं जिन्हां नू नियुक्ति पत्र वंडे गए ने उन्हां दे नाल गल कर रहे हैं। की नाम है तुहाडा, कित्थों दी हो तुसीं? मेरा नाम रविंदर कौर है, मैं मानसा तो हाँ जी। मानसा तो तुसीं, तुहानूं किहड़ा सर्कल एलोकेट किहड़ी थां होई? मानसा ही अलॉट होया। मानसा ही अलॉट होया, क्या बात है, बहुत वधिया। फिर तां कित्थे तक तुसीं एजुकेशन कीती है कितें, क्योंकि बार बार अज जिक्र हो रहा सी, मान साहब भी कर रहे सीगे कि बड़ी उच्ची उच्ची पद्धर दे एजुकेशन वाले बच्चे अज इत्थे पहुंचे ने जिहड़े हुण पटवारी बणनगे 15 महीने बाद फील्ड ते वी उतरणगे। हाँ जी, मैं BA BEd कीती हुई है। बेसिकली मैं प्राइवेट जॉब करती सी एज अ टीचर, 13-14 साल तो जॉब कर रही, बट अज मैं बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। चिंता भी बहुत होगी ये पिछले, यार मैं मेहनत कर रही ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, बहुत चिंता सी बट अज मैं बहुत खुश हाँ। तो हूँ जिस वक्त असं गल करते हैं, चलो तुम सपना देखिया, हूँ वो पहली पौड़ी भी पार कर ली, हूँ अगलिया पौड़िया की तैयारी है, किस तरीके दे नाल काम करूंगे अगे? हूँ खुशी बहुत हो रही है, उम्मीद हो गई है भी वाकई मेहनत नू रंग लगता है, इदा ही मेहनत करते रहेंगे अगे तो अगे वधन की कोशिश करते रहेंगे। लोगों दी दिक्कत भी हल होनी चाहिए, क्योंकि एक दिक्कत तुहाडी सी हल होगी 5000 to 18000 है ना। देखो ये मेहनत है और ये जज्बा है काम करन दी चाहत है कि असी काम करना चाहते और उदे उत्ते ही जिहड़ा है मेहनत कीतियां जा रही ने। सर की नाम है तुहाडा, कित्थों? संदीप सिंह जी। कित्थों दी हो सर तुसी? बठिंडा डिस्ट्रिक्ट तों जी। एलोकेट किहड़ी थां होंदी? एलोकेट अमृतसर जी, श्री अमृतसर साहब। हुण जेकर गल करदे तुहाडा, तुसी किस तरीके दे नाल तैयारी कीती, की चीज की तुसी नाल कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे सी, किस तरीके नाल तैयारी कीती? नहीं, मैं आप एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड हां जी, खेती करदा जी, मैं खेती करन दे नाल नाल मैं बस दोपहर दा टाइम जां शाम जां रात नूं ओहदे अकॉर्डिंग कढ के अज मेहनत नाल हो कीता जी। अगे होर भी लोग ने, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम संदीप कुमार है जी, मैं लहरा गागा डिस्ट्रिक्ट संगरूर का वासी हूं। एलोकेट किहड़ी थां होई है? मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट मिलिया जी। जलंधर डिस्ट्रिक्ट हो तो मैं दसदा, मेरी भी जलंधर शहर तो ही मैं भी हाँ। तो जेकर असी गल करते हैं जलंधर नूं, तुसी हुण एक्सप्लोर करूंगे सब चीज़ा देखूंगे, तुहानूं की लगता कि पहल के आधार पर की चीज़ा और किस तरीके दे नाल होनिया चाहिए ने? पहल के आधार इदा कहना चाहते हैं जी, असं निरपक्ष काम करांगे जी, रिश्वत नहीं लेनी जी, होर मैं ये बारे पटवारी बारे कुछ जानता, सानूं ट्रेनिंग मिलेगी जी, उस सानूं बहुत ज्यादा कुछ जानने मिलेगा जी। अच्छा, मतलब निरपक्ष ढंग दे नाल जिहड़ा काम है होने चाहिए ने। चलो पहली चीज़ यह चीज़ जरूर आ जाती है, क्योंकि जिस वक्त भी तनखाहों की गल की जाती सी, स्टाइपन की गल की जाती सी, अक्सर बार बार आता सिर्फ 170 रुपया की हुंदा दिंदा, कुछ भी नहीं हुंदा, और 5000 रुपया महीने का मिलना सी, वह मान साहब ने 18000 रुपया करता। हुण 18000 दे नाल लगदा कि जिहड़े पटवारी ने वो काम उस ढंग दे नाल करनगे जिस ढंग दे नाल होना चाहिए। हाँ जी, देखो जी फर्क तो पे है ना जी, पहला 5000 सी, सानू घरों पैसे लेने पैंदे सीगे जी, जिहड़े पहला देखो 1090 पटवारी होए सी भर्ती उदों जी, हैं उन्ने विच 350-400 पटवारी छड्ड गए नौकरी। वो क्यों छड्ड के गए? तनखाह घट सी बिल्कुल जी, 5000 नाल की होंदा देखो, कुछ नहीं होंदा, नहीं इन्ने नाल कुछ नहीं होंदा, तां करके छड्ड गए सी नौकरी जी। जिवें पंजाब सरकार काम कर रही है, खासकर मुख्यमंत्री मान दे हेठ काम किया जा रहा है, लगता कि वह हालात भी सुधरनगे? इतने 17000, 18000, 19000 सैलरी है। हाँ जी, उम्मीद तो है जी सानू जी, सैलरी बधाई है। देखो 5000 तो जंप करके 18000 हो गई ना जी, देखो 3.5 गुना हो गई लगभग। बिल्कुल, देखो होर भी मौजूद ने, असी एक नवी चीज़ जी, क्योंकि 200 कुड़ियां जड़ा आ वह ऐतकी नियुक्ति पत्र वंडे गए ने, और 200 कुड़ियां जड़ियां ने वह वक्रे ढंग दे नाल हुण काम करदियां होईयां फील्ड ते भी नज़र आणगियां। तुहाडा की नाम है और कित्थों दे हो तुसी? मैम मेरा नाम मीनू है और मैं बठिंडा तो ही हाँ, लोकल बठिंडा ही मिलिया मैनू अलॉटमेंट लैटर च भी। असं अक्सर देखते हैं बड़े सवाल उठते होंगे सके, या पहले आप कह लिए कि हाले भी कितने ना कि सोच है कि कुड़ियाँ काम किमें करनगियाँ, कुड़ियाँ फील्ड ते किमें उतरनगियाँ, है ना, की चीज़ा हजे दिमाग चल रही ने, क्योंकि सिर्फ 15 महीने ट्रेनिंग उस तो बाद फील्ड ते। हाँ जी मैम, थोड़ा जहा
चैलेंजिंग भी है, मतलब नहीं कह रही काम चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंजिंग भी है, बट वही है ना जिंदगी चैलेंज लेना चाहिए। जो चैलेंज नहीं लेंगे, नहीं करते, नहीं मतलब अपनी मेहनत करते, भी जिमें करते भी सपोर्ट करते हैं बाहर अंदर के, जिमें लोग कहें भी कि टाइम हो गया तैयारी करते हैं हूँ तो बस करो। पर मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहनी हूँ कि उन्होंने इन्नी छेती भर्ती करती, तो हूँ सबनों असी दस सकते हैं कि हाँ भी असी फाइनली असी लै लीती है नौकरी, तो बहुत खुशी की गल है। बहुत मेरे पेरेंट्स नाल ही आए हैं अज, तो बहुत मैं खुश हाँ इस चीज़ लिए। मैनू पटवारी क्यों चुनिया, क्यों चुनिया कि मैं पटवारी के पेपर भरा और उस तो बाद वास्ते मेहनत करा? मैम पटवारी एवें भी पटवारी कला नहीं कहते, पटवारी साहब कहते हैं बस ये जरा एक टैग है जिमें ना, जिम्मे कलर्क है ठीक है बाकी सब होंगे बट पटवारी साहब आ गए, पटवारी साहब तो सब ने मेरा नाम ही मतलब जिमें सेव करना शुरू करता, पटवारी साहब पटवारी साहब कहना शुरू करता रिश्तेदार ने फ्रेंड्स ने, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी और लगता भी यार भी क्या बात है। पटवारी साहब के नाल नाल एक कंधिया के उत्ते हूँ भार भी वड्डा है, रिस्पोंसिबिलिटी भी वड्डी है, एक कंधे उदे वास्ते तैयार ने? हाँ जी मैम पूरे तैयार ने, आप तैयारी की है इसी गल की है भी हाँ भी फील्ड से आए हैं जो मतलब जो भी आप मैदान से उतरे हैं पूरी तैयारी ही उतरे हैं भी हाँ जो भी काम करना वो पूरा करना है। पटवारी साहब के पापा जी भी मौजूद ने साडे नाल, उन्होंने नाल गल करते हैं। सर कहो जहा लग रहा हूँ लोग आते जाते कहूंगे पटवारी साहब के पापा आ गए? हाँ जी हाँ जी बहुत वधिया लग रहा है जी, लगता कि हूँ जी बेटी पिछे मेहनत की जड़िया चीज़ा चलो कहें जिदा कि घर के भी कह लगे जे आते जाते हैं कि इन्नी मेहनत करी जा रहे हो जहाँ इन्ना कद तक नौकरी मिलेगी, लगता सफल हो गया? हाँ जी सफल हो गया जी, बहुत कहें की कहेंगे लोग यही कहें बच्ची भी हम चौबी पच्ची साल की होगी भी इस तरह करके बहुत कुछ कहें भी चलो छोड़ो भी बहुत पेपर दे ले कर ले, मैं भी कोई नहीं चलन दौ पिछे भी कह देंगे होने के भी बड़ी होगी विह करा दो बस आई चीज़ा हम ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਬਸ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਾਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਾਦਰ ਔਰ ਡਾਟਰ ਦਾ ਬੋਂਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੀ ਦਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਪਦੇ ਤਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਅੱਜ ਸਭ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨਫੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਊਨਫੋਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਓ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਭਰਨੇ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪਾ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ 700 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 1000 15 1500 ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਫੀਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 67 700 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਆਹ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਚੱਕ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਭਰੀ ਚੱਲ, ਘਰੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲੈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫੜ
जा के पेपर भर के आ। इन्नी पेशेंस दे पिछे दा कारण की सीगा? कारण मैं बच्चे नूं कामयाब देखना चाहुंदे सी, तो देखदे सी अजकल किस तरह दा माहौल चल रहा है कि बच्चा आपदे पैर ते खड़ा होवे, उस तों वड्डी बात ते कोई कुछ। क्या बात है, इस वक्त दादा जी भी मौजूद ने साडे नाल। पटवारी साहब दे दादा जी कहांगे असीं तुहानूं कि दादा जी किहो जिहा लग रहा आ जिन्हां नूं गोद च पहली वारी तुसीं फड़िया होऊगा अज पटवारी साहब बन गए ने? इस तरह जी कि मैं तो आप सर्विस विचों रिटायर होया एस टेस्ट मास्टर, तो मैं तो पोती का बहुत ख्याल रखा, जिथे भी जाना नाल जाता, सारा कुछ करता, फिर पढ़न का टाइम भी दिता, जो भी कोई जरूरत सारी जरूरत वी पूरी करता जिथों तक भी हो सके। अजे तक भी मतलब कि डिग्री करवानी या कुछ करवाना जो भी कर, मतलब बहुत जिंदगी की है। हाँ, तो बहुत अच्छी गल है कि बेटी ने नाम कमाया है, तो आने वाले समय के अपनी ड्यूटी सही करे, और बस किसी तो कोई भ्रिष्टाचार वाला लैन देन वाला काम दे कोई कुछ नहीं करना बस। दादा जी जिस वक्त असं गल करते हैं ना, ये नौजवान चेहरे जिहड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने पिछे पुरखियां का बहुत वड्डा हाथ हुंदा, और मैं कहूँगी कि तुहाडी बहुत वड्डी मेहनत भी है इन्हां दे पिछे। एक आइडियोलॉजी असं वड्डियां तो सीखते हैं, अपने पुरखों तो सीखते हैं। हुण कहूँगे कि जिहड़ी रिश्वतखोरी पटवारियों के चल रही है, आ नवीं पीढ़ी बंद करेगी? नहीं नहीं नहीं, बंद करेगी करेगी, क्योंकि पहले दिन ही इसमें करते कोई फालतू खर्च नहीं किया, कोई फालतू डिमांड नहीं की, हरेक चीज़ जो असं कहते वैसे पढ़ाई के वास्ते कहें तो इन्हें कहें भी फालतू खर्च नहीं करना, किसी से आ नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब सोच बहुत लंबी सोच सी। मुख्यमंत्री मान के फैसलों तो खुश हो? बिल्कुल जी 100% जिहड़े 5000 तो 18000 स्टाइपन किया है कह रहे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, हाँ चलो वो भी ठीक है, कोई गल नहीं, जाके मेहनत करेगी तो वो भी हो जाएगा। क्या बात है, ये कहते हैं कि पैसों का कोई लेना देना नहीं, कुड़ी ने मेहनत की है, और ये है कि हुण ये मेहनत जिहड़ी है वह फुल लांदी रहे, बूर पैंदा रहे मेहनत नूं, और असीं उम्मीद करते हैं जिहड़े ये नवे चेहरे ने और जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वह तरक्की दे राह ते भी जाएगी, और नाल दे नाल ये जिहड़ी नौजवान पीढ़ी की तरक्की होएगी इहदे नाल नाल पंजाब की भी तरक्की होएगी। असीं इस ही आस ते उम्मीद नाल जिहड़ी है अज दा सैगमेंट खत्म करांगे। कैमरा ते मेरे सहयोगी अमन दे नाल मैं अनुजा शर्मा, तुसीं देखदे रहो ग्लोबल पंजाब टीवी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।